दोस्तों जब हम एक नया स्मार्टफोन लेते हैं तो उसको यूज करेंगे 1-2 महीने 3 महीने। इसके बाद जब हमारा मोबाइल फोन थोड़ा सा पुराना होगा ना तो हमारे मोबाइल फोन में लैग की समस्या शुरू हो जाती है। जब भी आप कोई मूवी देखोगे तो फोन स्टॉप हो जाता है, या फिर चार्ज में लगाओगे तो फोन रुक जाता है, या फिर ऐसे ही कोई फाइल ओपन कर लो तो फोन जो है जल्दी ओपन नहीं करता फाइल, मतलब बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, हैंग करने लगता है, बहुत सारी दिक्कतें आने लगती है हमारे फोन में। फिर पता चलता है हमारा फोन खराब हो गया है, हीट होने लगा है, मतलब कि पूछो ही मत, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, हमें फेस करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो फोन है ना वो पूरी जिंदगी नए जैसा ही रहेगा, जैसा आपने स्टार्टिंग में फोन लिया था ना वैसा ही लाइफ टाइम जो है वो फोन चलेगा। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, सिर्फ इस वीडियो को एंड तक देखो, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और कुछ नहीं सिर्फ लाइक कर देना। तो दोस्तों उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है जिसका नेम है WSAVShare। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका काम क्या है, ये कैसे आपके मोबाइल फोन को हैंग होने से बचाएगा, कैसे लैग होने से बचाएगा, और कैसे आपके मोबाइल फोन का स्टोरेज हमेशा फ्री रखेगा। तो उसके लिए सिंपली आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं तो इसे हमें ट्राई नाउ पे करना है, और आपको गूगल से या फिर फेसबुक से लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं अपने फेसबुक से लॉगिन कर लेता हूँ, नहीं गूगल से लॉगिन कर लेता हूँ, क्योंकि ईमेल आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा, इससे अच्छा है गूगल से लॉगिन कर लेता हूँ। दोस्तों जब आप अपने गूगल या फिर फेसबुक या फिर खुद का अकाउंट बना के लॉगिन कर लोगे तो सेम ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं। अब ये आपके मोबाइल फोन का स्टोरेज और आपके मोबाइल फोन को एकदम नए जैसा कैसे रखेगा। दोस्तों आपने नोटिस किया जो हमारे फोन में ये बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं ढेरों सारे, इनकी वजह से हमारे फोन का स्टोरेज धीरे 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 बढ़ जाता है, और पूरा का पूरा जो है मतलब स्टोरेज ये एप्लीकेशन ले लेते हैं, फिर हमारे फोन में स्टोरेज बचता ही नहीं है। इन्हीं की वजह से हमारे मोबाइल फोन में लैग की प्रॉब्लम, ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम, स्टोरेज की प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम यही सारी एप्लीकेशन की वजह से क्रिएट होती है। तो आपको इन एप्लीकेशन को हटा देनी है। इस छोटी सी एप्लीकेशन में दोस्तों आपको सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे सर्च पे आओ, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपको फेसबुक यूज करना है तो आप इसे ऐड कर लो, उसके बाद अगर आपको यहाँ पे उबेर एप्लीकेशन को जो है यूज करना है तो इसे ऐड कर लो, ये सब आपके मोबाइल फोन में ऐड होते जाएंगे जहाँ दोस्तों, और ये थोड़ा सा भी MB या थोड़ा सा भी स्पेस नहीं लेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर आपको यहाँ पे कैटेगरी भी मिल जाती है, यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं अगर आपको कोई गेम जो है यूज करना है, खेलना है, तो यहाँ पे आपको गेम भी देखने को मिल जाते हैं, जो भी गेम खेलना है सिंपली दोस्तों आपको ऐड कर देना है। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं ऐड पे क्लिक कर दो, उसके बाद ये आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। और भी आइए मैं आपको दिखा देता हूँ बैक जाके, और यहाँ पे काफी सारे ट्विटर यूज करना है तो इसे भी ऐड कर लो, यहाँ पे ऐड करना है हमें तो यहाँ पे ऐड टू माय ऐप में क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद ये सारी चीजें हमारे अकाउंट में ऐड हो जाती है। और भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे मूवीज वगैरह के देखना पसंद है तो यहाँ पे मूवीज के एप्लीकेशन है, तो जो भी आपको एप्लीकेशन चाहिए तो उसे सिर्फ आप ऐड कर लो यहाँ पे क्लिक करके, या फिर आप इसे ओपन करके यहाँ पे टू माय ऐप पे क्लिक करके ऐड कर सकते हो, जैसे भी आप ऐड कर लो। उसके बाद क्या होगा, ये सारे के सारे एप्लीकेशन आपके होम पेज पे ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो जब भी आप इस एप्लीकेशन को ऑन करोगे आपके जो जो मेन मेन एप्लीकेशन है यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। अगर आपको फेसबुक ऑन करना है तो फेसबुक पे क्लिक कर दो, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका फेसबुक ऑन हो जाएगा, एकदम सेम वैसा ही फेसबुक चलेगा जैसा कि एक एप्लीकेशन चलती है। और आपको एक बात बता दूं, फेसबुक डाउनलोड करो फिर मैसेंजर डाउनलोड करो, ये दोनों मिलकर 2-3 GB आपका जो है स्टोरेज ले लेते हैं, लेकिन भाई ये आपका 10 MB भी नहीं लेने वाला है। तो आप खुद सोच लो कि कितना कमाल का ये एप्लीकेशन होने वाला है, और कट भी कर सकते हैं, ट्विटर यूज करना है ट्विटर ओपन कर लो। और ये बिल्कुल सेफ एप्लीकेशन है, ऐसा भी नहीं है कि आपका कोई डेटा चुरा लेगा, ऐसा कुछ नहीं है, गूगल प्ले स्टोर में ये एप्लीकेशन मिल जाती है और फुल्ली सेफ एप्लीकेशन है। या फिर अगर आपको कोई दूसरा एप्लीकेशन चाहिए तो यहाँ पे आप सर्च पे आके सर्च भी कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। उसके बाद भाई पूरी जिंदगी इनका यूज करो और कोई टेंशन मतलब आपको आने वाली नहीं है। तो ये थी दोस्तों एक कमाल की एप्लीकेशन, यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं लोगों, और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर पे भी जा सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।